तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। सीतापुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर नैमिषारण्य में आज उनका पहुंचने का कार्यक्रम था। नए मंदिर का यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर के नैमिषारण्य से, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, सीतापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। तो राजराजेश्वरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दौरे पर हैं और यहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। सीतापुर में नैमिषारण्य में उनका दौरा होने वाला है और आज पहुंच चुके हैं सीतापुर। सीतापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है, पूजा पाठ का दौर इस वक्त चल रहा है। पंडित पुरोहितों के बीच प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। मंदिर परिसर में दाखिल हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीतापुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लगातार हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रखे हैं लाइव सीतापुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर का अहम दौरा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। राजराजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें कि 2 बजे उनका कार्यक्रम था और फिलहाल सीतापुर पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य में प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर राजराजेश्वरी स्कंदा आश्रम में मौजूद हैं सीएम। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनका अहम दौरा ये बताया जा रहा है। तो नैमिषारण्य में पहुंचे हैं, सीतापुर दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस वक्त देखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसमें सीएम योगी पहुंचे हैं, खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है राजराजेश्वरी मंदिर। और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में और मंदिर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भव्य और सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और इसी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के आने को लेकर तमाम कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई थी ऑलरेडी। हेलीपैड और मार्गों पर सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर ली गई थी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ एमपी विधानसभा अध्यक्ष सीतापुर में मौजूद, राजराजेश्वरी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए गोपुरम द्वार का भी उद्घाटन करने का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में, जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। सीएम नैमिषारण्य के राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ नरेंद्र तोमर भी मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें दक्षिण शैली में बना ये मंदिर और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है और साथ ही साधु संत इस वक्त मौजूद। मंदिर परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना अनुष्ठान का दौर चल रहा है। नैमिषारण्य अपने आप में बड़ा तीर्थ है और यहाँ पर लोग पहुंचते हैं पूरे भक्तिभाव के साथ और यहीं पर राजराजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। नैमिषारण्य धाम में सीएम की पूजा अर्चना की इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीतापुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और दक्षिण की शैली में ये पूरा मंदिर बना हुआ है और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर को भी देख रहे हैं साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। साधु संतों की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री आज पहुंचे हुए हैं।
स्कंदा आश्रम में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। नैमिषारण्य तीर्थ में है स्कंदा आश्रम और यहीं पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। तो सीएम स्कंदाश्रम में जगन माता श्री राजराजेश्वर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं संदीप, हमारे सहयोगी सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप बताएं आगे क्या कुछ कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ सीतापुर के नैमिषारण्य में जगदम्बा राजराजेश्वरी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ नैमिषारण्य धाम में पहुंच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी एमपी के जो है वो भी यहाँ पे साथ में मौजूद है। अब मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मंदिर में प्रवेश किया जा चुका है और वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, मुख्य द्वार का जो उद्घाटन का दौर चल रहा है वो भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ में इसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ में जो है मुख्यमंत्री जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला में भी उसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है मंच पर जो है सीतापुर के जो नैमिषारण्य धाम के जो है और मध्य प्रदेश के जो साधु और संत है उनके आने का कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। चंद ही लम्हों में मुख्यमंत्री भी जो है मंच के ऊपर मौजूद होंगे और कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए यहाँ पर जो जनसभा की गई है उसको भी संबोधित करेंगे। देखा जाए अगर माना जाए जो कार्यक्रम तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का है, जिस समय जैसा कि 2024 का चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव को लेकर भी यहां से एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं और लोगों को संदेश दे सकते हैं कि जिससे कि जो पीएम मोदी का जो संदेश है कि 400 पार वाला संदेश है वो लोगों के जन जन तक का पहुंच जाए। इसी को कार्यक्रम को लेकर ये कयास भी लगाया जा रहा है कि आज यहां से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बस ही चंद ही मिनटों में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद होंगे और वो जो है कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी कितनी देर रुकने वाले हैं यहाँ पर और खासतौर पर स्कंद माता इस मंदिर की बात की जाए तो जरा इस मंदिर के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी जैसा कि अभी जो कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि एक घंटे तक का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जगदम्बा राजराजेश्वरी मंदिर है यहाँ पर जो है वो उस मंदिर में एक घंटा रुकेंगे। जो कार्यक्रम में इसी एक घंटे के बीच में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुख्य द्वार जो है मंदिर का उसका भी उद्घाटन किया जाएगा और उसके साथ साथ में जो जनसभा को की गई है उस जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मंदिर की अगर बात हम करें तो मंदिर पिछले 4 सालों से जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण चला था और अभी जो भव्यता मंदिर की और भी दी जा रही है, जैसा कि अभी आप सभी को मालूम है कि अयोध्या में जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी के बाद जो है सीतापुर के नैमिषारण्य जो कि विश्व विख्यात जो नैमिषारण्य है इस नैमिषारण्य धाम में जो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत के द्वारा जो यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है उसका निर्माण भी चल रहा है। आज जो है मंदिर के मुख्य द्वार और जगदम्बा राजराजेश्वरी की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है उसका जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैमिषारण्य धाम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ तमाम मठ मंदिरों के महंत संत भी मौजूद हैं और कार्यक्रम श्री राजराजेश्वरी मंदिर महंत स्वामी हीरापुर के सानिध्य में संपन्न होगा।